यहाँ शंभुनाथ ने अभी तक घर की सफाई नहीं की। मेहमान आ जाएंगे तो ये देखो अभी तक खाना भी नहीं पका, किसी को कोई परवाह नहीं है। देवयानी तुम खामखा परेशान हो रही हो, आज हमारी पूजा की शादी नहीं हो रही है, उसे सिर्फ लड़के वाले देखने आ रहे हैं। आपके तीनों भाइयों को फोन किया, सबके सब लेट लतीफ है। फोन करने की जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं। अच्छा हो गया बड़े भैया आप लोग आ गए, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। हमारी पूजा के लिए खानदान बहुत अच्छा रहेगा। फिक्र करने की क्या जरूरत है देवयानी, हम तो हमेशा ही वक्त पर आते हैं। राइट माँ, देर से आने वाले एक ही हैं, आप दोनों के देवश्री यानी कि हमारे मनोहर चाचा। आज मैं लेट नहीं होने वाला, सबका रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। ठहरिए, लेकिन जी आपके नवाब साहब तो अभी तक तैयार नहीं हुए, बस दो मिनट। कमाल है ये क्या इतनी सिंपल साड़ी पहन कर रखी है, और आपने क्या ये ब्राइट सपोर्ट पहन लिया है? हम दोनों का टेस्ट कभी मिलेगा ही नहीं। अपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, इसलिए हम दोनों में इतना प्यार है ना। मैं तो तैयार हूँ मम्मी डार्लिंग। एक बात बताओ पापा, आज मम्मी एकदम जकास लग रही है। ये जकास वर्ड किसने सिखाया तुझे? सुमित चाचा ने। हाँ हाँ भाभी बस पहुंच रहा हूँ, या आई एम जस्ट लीविंग। ओके सुमित बेटे, क्या तुम पायल को फोन नहीं करोगे? बताइए क्यों करूं उसे फोन, मेरी पत्नी होकर मुझे छोड़कर मायके रहने लगी, और फिर पायल के लिए सब कुछ तो मेरा परिवार ही है, और मेरे परिवार वालों के लिए सब कुछ है पायल, मैं तो कुछ भी नहीं। फिर भी बेटे पूजा के ब्याह का मामला है, तुम दोनों का अलग अलग जाना ठीक नहीं। जानता हूं काका, लेकिन वो बहुत जिद्दी है, मेरे साथ नहीं चलेगी। फिर एक ही भूल की इतनी बड़ी सजा, मुझे छोड़कर चले गई, मुझे माफ नहीं कर सकती थी। बेटे वो दिन भी दूर नहीं है, मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, तुम दोनों का संगम होके ही रहेगा। पता नहीं कब होगा ये संगम, ये तो राम ही जाने। बहुत खूबसूरत लग रही है चाची। हमें तो खूबसूरत लगने के लिए तैयार होना पड़ता है, लेकिन आप तो नेचुरल ब्यूटी हैं। ओ, तो चने के झाड़ पर चढ़ा रही हैं आप? नहीं नहीं मैं सच कह रही हूँ। एक बात कहूँ? हाँ। आप सुमित चाचा को माफ क्यों नहीं करते? चाची क्या हुआ, दीदी रेडी हुई कि नहीं? अभी सब पकवान बन चुके हैं, सब लोग नीचे बैठे हुए हैं, लड़के वाले भी आते होंगे, मम्मी आके सब पे चिल्लाएगी। हाँ, और कितनी देर लगेगी तैयार होने में? मम्मी बस तैयार हो चुकी है, चलो ना। जिस घर में बेकार की भागदौड़ हो ना, तो समझ लेना चाहिए उस घर में शादी हो रही है। लेकिन जी इसी बहाने तो हम लोग एक हुए हैं। आप लोग तो एक हो गए भाभी, लेकिन हमें देखो, मैं और पायल तो अभी अलग है। तुम जैसे आदमी से अलग होना ही ठीक है। What do you mean? मुझ जैसा? तुम जैसे से मतलब? तुम जैसा? अब तुम दोनों यहाँ लड़ना मत शुरू कर देना। छोड़ो ना चाची, नीचे चलते हैं। सबको साफ साफ कह देती हूँ, अगर मुझे लड़का पसंद नहीं आया तो मैं इंटरव्यू देने के लिए रुकने वाली नहीं हूँ। ठीक है बाबा, अगर तुम्हें लड़का पसंद आ जाए ना तो हमें कोई इशारा कर देना। इशारा? अरे यार अगर तुझे लड़का पसंद आ जाए तो तू छींक देना। क्यों बेटे, शादी की बड़ी जल्दी है। ऑफ कोर्स डैड, लेकिन वो इशारा करना भूलना नहीं। लड़की पसंद आ जाएगी तो मैं आपको इशारा कर दूंगा, आज मुझे पूरा यकीन है कि यही लड़की मेरे सपनों की दुल्हन बनेगी। चलिए।
सच। सॉरी भाई, हम सब लोग यहां से चले, अब इन्हें एक दूसरे को समझ लेने दो। ये शरबत आपने बनाया? घर का सारा खाना आप ही बनाती हैं? अफसोस, ऊपर वाले ने इतना खूबसूरत चेहरा बनाया मगर गूंगी कर दी। नहीं नहीं, मैं गूंगी नहीं हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ। बोलने में आप भी मेरे सामने हार मान जाएंगे, मैं आपसे ज्यादा और आपसे तेज बोलती हूँ। ओके ओके, वैसे शक्ल देखकर तुम्हारी सादगी और तुम्हारे गुणों का पता चलता है। वैसे मैं घुमा फिरा के बात करने वालों में से नहीं हूँ, मुझे तुम पसंद हो। मैं तुमसे एक सवाल करूंगा पूरा, अगर तुमने उसका ठीक ठीक जवाब दिया तो करिए कबूल, लाए हैं दिल हम आपकी खातिर, मर मिटने को तैयार हैं हम आपकी खातिर, कहिए क्या करेंगी आप मेरे प्यार की खातिर, लड़ जाएंगे दुनिया से भी हम आपकी खातिर। पीछे नहीं हटेंगे हम भी आपकी खातिर, दिल आपका किया है कबूल, हम हैं आपकी खातिर। दिल और जान तो प्यार में दुनिया भी देती है, हम तो जन्नत को भी ठुकरा देंगे सनम आपकी खातिर। वाह क्या बात, मैंने सैकड़ों लड़कियां देखी है पूजा, लेकिन तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे इतना इंप्रेस किया है। सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं। जिंदगी में मैं सिर्फ एक आदमी से इंप्रेस हुई हूँ, वो है मेरे दादाजी, और दादाजी के बाद अगर मैं किसी से इंप्रेस हुई हूँ तो वो हो तुम। सच कह रही हूँ, झूठ नहीं। ऐसी क्या खास बात है तुम्हारे दादाजी में? इस उम्र में भी वो बिल्कुल फिट हैं, जवानों की तरह भाग दौड़ करते रहते हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए ना कम है। दादाजी ये है, दादाजी वो है। कहाँ है वो? वो हमारे साथ नहीं रहते, उनका एक फार्म हाउस है, अपनी माँ के साथ रहते हैं। मेरे कहने का मतलब है मेरी परदादी के साथ रहते हैं। और तुम्हारी दादी? वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ओह सॉरी, तुम्हारे दादा और परदादी इस उम्र में अकेले क्यों रहते हैं? एनीवे, अगर तुम अपने दादा से इतनी इंप्रेस हो तो वो कमाल के आदमी होंगे मेरी तरह, उनसे मिलना तो पड़ेगा। लगू माँ जी तेरे। माँ तुम्हें पता है कल कौन आ रहे? तुम्हारे चेहरे पर खुशी और दुख का मिला जुला संगम सिर्फ एक बार देखने को मिलता है, जब शहर से हमारे बच्चे आ रहे होते हैं। हाँ माँ, उन्होंने पूजा के लिए एक लड़का पसंद किया है, अपनी राय पूछने आ रहे हैं। राय क्या देनी है, सिर्फ हाँ भरनी है बस। कैसी बात कर रही हो माँ, मेरे बेटे ऐसे नहीं है। अगर मुझे लड़का पसंद आया तभी हाँ बोलूंगा, उन लोगों को मेरा बहुत ख्याल है। हाँ अगर उन्हें तुम्हारा इतना ख्याल होता तो 5 साल पहले इस तरह परिवार को टुकड़ों में ना बांटते, हमारे भरे आंगन को सूना करके अलग अलग घर न बसा लेते। माँ घरों का बंटवारा हुआ है, दिलों का नहीं। आज भी वो एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। और वैसे देखा जाए तो आजकल शहर में अलग रहने का फैशन हो चुका है, और एक तरीके से ये सही भी है। तू मुझे झूठी तसल्ली मत दे, क्या मैं जानती नहीं जब वो अलग हुए तो तुझे कितनी तकलीफ हुई थी, कितना दुख हुआ था तुझे। लेकिन तूने उनकी खुशी के लिए उन्हें नहीं रोका, बंटवारा कर दिया। तू मेरा बेटा है, मैं तुझे तुझसे ज्यादा जानती हूं। भूल मैं झूठ कह रही, और अगर मैं झूठ कह रही हूं तो तूने ये क्यों तय किया कि जब चारों लड़के एक छत के नीचे रहेंगे तभी तू उनके साथ रहेगा, वरना यहां अकेले जिंदगी गुजारेगा। छोड़ो मां, कल बच्चे आ रहे हैं, उनके सामने ऐसी बातें मत करना,
उन्हें दुख होगा। जगत की रीति कैसी है, जिसने अपने आंगन की फुलवारी को इतने प्यार से सींचा, उसी को उस आंगन में बैठना नसीब नहीं हुआ। हमारे पास इतना सारा होके भी कुछ नहीं है मुन्ना। खैर छोड़ इन बातों को, लेकिन एक बात मैं तुझे साफ साफ बता देती हूं, अगर पूजा को वो लड़का पसंद आया है तो तू इनकार मत करना, रजामंदी दे देना अपनी। अरे वाह, ऐसे कैसे रजामंदी दे दूंगा, ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि लड़का अच्छा है कि नहीं। मैं उससे एक सवाल पूछूंगा माँ, जो सवाल मेरे ससुर जी ने मुझसे पूछा था, अगर उसने सही जवाब दिया तो हाँ, वरना ना। अच्छा, वो सवाल कौन सा है? शादी ब्याह के मामले में क्या है सोच तुम्हारी? शादी ब्याह के मामले में क्या है सोच तुम्हारी, सवाल है ये जीवन का, लाडली है बेटी हमारी। शादी है बंधन जन्मों का, माने ये दुनिया सारी, इसे निभाना पूजा है, ये है सोच हमारी। बाबूजी, क्या हुआ? लड़का अच्छा नहीं है क्या? हमारी पूजा के लिए इससे अच्छा लड़का मिलना मुश्किल है। क्यों मुंह फुला के बैठे हैं? ये लड़का वाकई बहुत अच्छा है बाबूजी। बाबूजी अब सोचिए मत, हाँ कह दीजिए। प्लीज मेरे पापा। बाबूजी लड़का लाखों में एक है। बाबूजी हाँ कह दीजिए ना। बाबूजी अगर आप हाँ नहीं कह देंगे मेरी आपसे गलती हो जाएगी। बड़े पापा, रोहित जैसा लड़का चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, हाँ कह दीजिए ना प्लीज। हाँ कर दे मुन्ना। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, इससे अच्छा लड़का पूजा के लिए इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। के साथ रहे उम्मीदें होती हैं। क्या क्या तमन्ना दिल में होती है,
अंश के साथ रहे उम्मीदें होती हैं। आंगन में हो सारा परिवार, आंगन में हो सारा परिवार, ये मौसम बहार का हो, आंगन है प्यार का। मुन्ना, तेरी ये उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। चल हम शहर जाकर बेटों के साथ मिलजुल कर जिंदगी गुजारेंगे। कैसे गुजारेंगे माँ? कुछ दिन एक बेटे के साथ रहकर, कुछ दिन दूसरे बेटे के साथ रहकर। अगर ऐसा ही करना होता तो मैं बहुत पहले का कर चुका होता। इसका मतलब है तू अपनी जिद पर अड़ा रहेगा। जब पूरा परिवार इकट्ठा होगा तभी उनके साथ रहेगा। तेरी ये जिद तुझे कभी चैन से नहीं रहने देगी। बड़ी दादी, दादाजी के जज्बातों को जिद का नाम मत दो। बड़ी दादी मत दो। आज हमने समझा कि आप लोग दर्द के किस दौराहे पर खड़े हैं। दादाजी, मुझे गर्व है कि मैं आपका पोता हूं, लेकिन आपके पोते होने का कर्ज अभी चुकाना है मुझे। आपकी और बड़ी दादी की इच्छा जरूर पूरी होगी। आपके आंगन में आपका परिवार फिर से इकट्ठा होगा। हम सब एक छत के नीचे साथ साथ रहेंगे। ये मेरा वादा है आपसे।